नमस्कार साथियों आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में हमारे चैनल पर हम सीखते भी हैं और पैसे भी कमाते हैं आप सबका स्वागत है आइए चल कर जाने, क्या चल रहा है इन्फो एज में आपको शायद पता ही होगा आपका नौकरी डॉट कॉम और ये सब पोर्टल जो बने हैं वो सब इन्फो एज के द्वारा बनाए हुए हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं दो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को साथ में लेके आते हैं और उनको फिर इंफॉर्मेशन मिलती है और वो आपस में इंटरव्यू करते हैं और आपस में जॉब मिलती है तो बहुत अच्छा काम करते हैं इंटरव्यू interview और इंटरव्यूअर के बीच में दोनों को मिलाकर अब चलो इसके बारे में जानते हैं जैसा आपको पता ही है इनकी बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती हैं और अभी ये लोग काफी इंप्रूव भी कर रहे हैं अपने एक्टिविटीज में ताकि जो लोग एम्प्लॉयर हैं वो भी इनके साथ कनेक्ट में रहे और जो एम्प्लॉय हैं वो भी इनके साथ में कनेक्ट में रहे अगर हम आज की ट्रेड की बात करें तो आज का इसका प्राइस करीब करीब तीन के आसपास चल रहा है और ये अपने 52 वीक के आसपास ही पहुंचा हुआ है 52 वीक जो है 3400 के आसपास है अब ये 3300 के आसपास चल रहा है तो बहुत अच्छा अपवर्ड मूवमेंट जनरी इसने कंटिन्यू किया है और वॉल्यूम शोकर भी है आज ये बी और एनएससी दोनों पर ही एनएससी पर करीब नौ लाख के शेयर इसमें ट्रेड में है. तो काफी एक्टिव

अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा स्टॉक है अगर इसकी इंडस्ट्री पी के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इंडस्ट्री की पी 43 है और ये बहुत कमांडिंग पोजीशन में है 41 के तो 201 के आसपास आसपास 201 इसकी पी है तो पांच गुना ज्यादा है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में क्योंकि कोई भी सर्च करेगा तो नौकरी डॉट कॉम पे सबसे पहले जाके रजिस्टर करेगा और वहां पर सर्च करेगा काफी अच्छी वेबसाइट है काफी अच्छा सर्च क्राइटेरिया है और कस्टमाइज करके आपको नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं तो यूजर फ्रेंडली है काफी अब अगर इनकी सेल्स की बात की जाए तो दिसंबर और मार्च में हमारे पास मार्च तक का डाटा है कोई ज्यादा फर्क नहीं है 300 के आसपास करोड़ की सेल हुई है इनकी और जो इनका एक्सपेंडिचर है वो करीब करीब बढ़ गया है मार्च में तो वजह से सॉरी सॉरी मार्च में एक्सपेंडिचर कम हो गया है दिसंबर में एक्सपेंडिचर दो सॉरी दो करोड़ था और मार्च में होकर वो सिर्फ पैंसठ करोड़ रह गया जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट बहुत इंक्रीज हो गया देखिए 255 सौ पचपन करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट है कंपेयर टू 85 करोड़ प्रीवियस टाइम तो काफी अच्छा सिचुएशन है अगर हम देखें जो अब असली खबर आपको बता रहे हैं इन्फोज के बारे में वो ये है कि ये क्यूआईपी ला रहे हैं काफी अच्छा क्यूआईपी रहेगा 250 मिलियन शेयर का सेल करेंगे ये लोग और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल सेलिंग चलेगी इसके चलते हुए ऑफर चलेगा तो इसमें होगा क्या

प्रोफिटेबल प्योर प्ले इंटरनेट कंपनी इन द कंट्री इन्फोएज इज इंडिया प्राइमर ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी इन रिक्रूटिंग मेट्रीमोरियल रियल स्टेट एजुकेशन एंड रिलेटेड सर्विसेज तो उन्होंने जो शुरू किया था पहले इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था आपका रिक्रूटमेंट के लिए पर उन्होंने फिर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई शुरू करना शुरू किया मेट्रीमोरियल गए रियल इस्टेट में गए एजुकेशन में गए और सारी एडिशनल सर्विसेज उन्होंने डाली तो इसके चलते हुए क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है वाइड स्प्रेड है और इंटरनेट बेस्ड कंपनी है तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है इसके हिसाब से ये लोग काफी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मॉडल को लेकर तो इनका अगर आपको देखना है तो नौकरी गर्ल्फ डॉट कॉम नौकरी डॉट कॉम शिखा जीवन साथी डॉट कॉम नाइनटी नाइन एकर्स डॉट कॉम फर्स्ट नौकरी डॉट कॉम तो ये सारे के सारे अगर आपको कहीं प्रॉपर्टी में जाना है तो नाइन्टी नाइन एकर्स पे आप सीधे जाते हैं अगर आप नौकरी ढूंढनी है तो नौकरी डॉट कॉम पे जाएंगे शादी के लिए जीवन साथी डॉट कॉम और एड व्यू इस हिसाब से करते हैं अपना तो बहुत अच्छा सहूलियत है इनको इस काम के लिए अगर आप देखा जाए तो तो इनका काफी अच्छा ऑब्जेक्टिव है जिसके चलते हुए ये लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं फ्यूचर ग्रोथ अच्छी दिखाते हैं अपनी और इन सब के चलते हुए इनका जो आउटलुक बना रहता है कंपनी का वो भी बहुत अच्छा रहता है जिसकी वजह से इनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है और एफ का आप समझिए बात अगर कोई स्टॉक में एफ इन्वेस्ट करता है तो उसका सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है कि वो उससे पैसा कमाना चाहता है तो वो सबके लिए इस कंपनी में इतनी अच्छी एडवांटेज है कि आप कुछ भी चाहेंगे तो वो आपको अपॉर्चुनिटी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देके ही जाएगा तो जहां पे FIA अपना पैसा लगा रहे हैं उनका आपको समझिए कि एडवांटेज उनका बहुत ज्यादा रहेगा अब अगर हम टेक्निकल पैरामीटर पर चल के देखें इसका कि आगे का क्या काम हो सकता है तो आइए चलकर देखते हैं टेक्निकल पैरामीटर पर इसकी क्या संभावनाएं बन रही है हम इसका ग्राफ चलाएंगे तो आप देखिए अभी यहाँ पर तो अगर हम वीकली चार्ट देखें

कोविड के टाइम पे जाब सब स्टॉक नरम हो गए थे तो इसका भी करीब करीब जो वैल्यू है वो 1600-1500 के आसपास आ गया था यहां से फिर इसने अपवर्ड जर्नी शुरू की और 1600 से से पिछले हाई को भी इसने तोड़ दिया है अगले तीन महीने में पिछले तीन महीने में इसने डबल से ज्यादा रिटर्न दिया है पंद्रह से लेकर इकतीस सौ तक चला गया है स्टॉक और बहुत अच्छी न्यूज है अभी आगे क्यूआईपी के चलते हुए क्योंकि बिजनेस मॉडल ग्रो हो रहा है तो फंडिंग जो होगी वो आगे फर्दर इसके रिवेन्यू को इंक्रीज करेगी और सेल्स को इंक्रीज करेगी तो ये सब अच्छी बात है बहुत अच्छी खबर है कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है इसके चलते हुए आगे स्टॉक काफी ऊपर चढ़ने की संभावनाएं रहेंगी अब जरा हम इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं कि क्या चार्ट कह रहे हैं इसके बारे में ताकि हमें पता लगे कि हमको क्या करना है कहाँ पे इसकी उम्मीद रहेगी कहां से हम इसको खरीद सकते हैं कहाँ पे हम इसका टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सब हम आपको बताएंगे हम जीरो का टूल यूज कर रहे हैं अगर आप जीरो पे हैं तो ये टूल आप फ्री में यूज कर सकते हैं और अगर आपको दूसरे ब्रोकर का यूज करते हैं तो शायद वहां पे भी आपको ये टूल तो मिलेगा ही मिलेगा जरूर तो अगर हम अप से नीचे तक इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करें तो ये बना है यहाँ पर तो अगर हम इसको थोड़ा नीचे लेके आए अब आपको समझ में आएगा हम आ, हम कह हम दिखाना क्या चाहते हैं आपको तो देखिए हम इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं तो अब जो सबसे पहला इसका टारगेट इसने 100 परसेंट टाइल को कवर कर लिया है जो सबसे पहला टारगेट होगा उसका वो तीन के आसपास रहेगा उसके बाद में अगर इसने क्रॉस कर दिया तो फिर चार हजार पिछासी के आसपास राउंड फिगर भी है तो चार हजार पकड़ के चलिए हमारे हिसाब से हम जिससे आपको समझ में आएगा कि हम कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करें और क्या ट्रेंड पता लगे स्टॉक के बारे में तो सबसे पहले हम एक इंडिकेटर है पैराबोलिक सार्क ये सबसे लीडिंग इंडिकेटर होता है डायरेक्शन चेंज होने के लिए तो अगर आप देखें इसमें डेली चार्ट पर पैराबोलिक सार्क बहुत बहुत सेंसिटिव है 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 जल्दी जल्दी बताता बताता कभी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सबसे जल्दी यही बताता है। तो इसने जब यहां से शुरू किया इसका प्राइस अप मूव होना शुरू हुआ जब इसने प्रीवियस लेवल को 2500 को तोड़ा तो उसके बाद से इसने बोलना शुरू कर दिया अब मैं बाय करने के लिए तैयार हूं और देखिए कितना शानदार इसने बाय किया है और यह सबसे ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से अभी तक बाय कर रहा है इसका मतलब कि

जो है सबसे तेज बढ़ने वाले शेरों में थे वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का कारोबार भी न्यूट्रल सा ही रहा नौ स्टॉक एडवांस हुए हैं और तीन स्टॉक एच डी एफ सी बैंक ने थोड़ा प्रेशर दिखाया है आज और एस बी आई बैंक ने भी एच डी एफ सी बैंक कल बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई थी अब जाने के लिए आज उसकी थोड़ी सी रिट्रेस हो रहा है अब हम दूसरा पैरामीटर देखते हैं जिसको हम कहते हैं आपका बुलिंजर बैंड अगर बुलिंजर बैंड एक्सपेंड होता है इसका मतलब ट्रेड या तो अप साइड में और चलेगा या नीचे चलने की उम्मीद है तो देखिए यहां से जब ये चला ऊपर चढ़ने के लिए तो उनतीस के आसपास से इसने बैंड को एक्सपेंड करना शुरू किया तो यहां से आपको याद है पैराबोलिक साख ने 2500 पे बता दिया था इसको पर यहां पर उनतीस सौ के आसपास बताना शुरू किया और बोला अब ऊपर जा रहा है तो जाते जाते फिर थोड़ा रिटेस्ट होता है नीचे की तरफ और फिर अब जाकर फिर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो आगे फर्दर और एक्सपेंड होने की चांस है तो काफी पॉजिटिव मोमेंटम है स्टॉक में टेक्निकल पैरामीटर के बेसिस पर

और अब आखिर में जाते जाते हैं, फिर से है 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 तो मोमेंटम क्लियरली पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज बहुत positive ले रहा स्टॉक भाव भगवान होता है हमेशा बोलते हैं आप इसको रेस्पेक्ट कीजिए तैतीस सौ पिछहत्तर के आसपास इसका भाव चल रहा है आप खरीदिए इसको करंट मार्केट प्राइस पर और भी खरीदने का तरीका हम बताएंगे आगे कैसे कितने कितने लेवल पर आप खरीद सकते हैं तो अब हम लेवल की बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं आप कर, जैसा भी खरीदें आपको हमेशा तीन staggered manner में खरीदना होता है ताकि आपकी average cost बनी रहे और आपका तीसरा ना भी आए से के पास खरीदना है। तो दूसरी रेंज आपकी तीन से इकतीस के आसपास यहाँ पे खरीदेगा और जो लास्ट रेंज आपकी बनेगी वो 2900 के आसपास आपको बनानी है टू थाउजेंड नाइन यहाँ पे खरीद के आप इसको

फंडामेंटल बहुत अच्छे कंपनी के और जो क्यू का यूजेज होगा वो बहुत अच्छा आउटपुट देगा कंपनी को तो इस सबके चलते हुए अच्छा स्टॉक बाय रिकमेंडेशन आप आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए आपने देखा कैसे वेल्थ क्रिएट किया इसने अगर कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो आप हमसे पूछेंगे हम आपको सलाह देंगे आपको जैसे जरूरत है आप बताइए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आपका चैनल पर स्वागत करते हैं आप देख सकते हैं तो बताइएगा अगर कोई आपको वीडियो चाहिए हम उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको भेज सकते हैं हम यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो के साथ में एजुकेशन वीडियो भी बनाते हैं और साथ के साथ में आपको लेटेस्ट स्टॉक बेस्ट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं तो अगर आपको जो चाहिए वो आपको रिकमेंडेशन करके लिस्ट में भेजिए हम वो आपको बता सकते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड भी करते हैं खुद से और अपने क्लाइंट को हेल्प करते हैं अगर आपको वो ट्रेड चाहिए तो आप हमें बताइए हम सारी डिटेल आपको मेल में भेज सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज हम हेल्प करने के लिए तैयार है अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका दिन मंगल हो जय हिंद